वाला पुलिस को हथियार तस्करों की खुली चुनौती। बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर देखिए तो 17 के YD न्यूज खाजूवाला नाम से हो रहा था हथियारों का ये तस्करी। पिस्टल, सिक्सर, रिवॉल्वर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप में देसी कट्टा और राइफल की हो रही डील। बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं खाजूवाला से, जहां पर ग्रुप में हथियारों के साथ दे रखे हैं मोबाइल नंबर, अंतरराष्ट्रीय नंबर भी सोशल मीडिया के ग्रुप में जुड़े हैं। अब ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हथियारों की ये तस्करी की जा रही है। तो खाजूवाला पुलिस लगातार कर रही है ट्रेस करने की कोशिश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख रहे हैं आप। ग्रुप में हथियारों के साथ मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय नंबर भी सोशल मीडिया के इस ग्रुप में ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुरेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र का खाजूवाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर आए दिन इस प्रकार की सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले भी इंडिया न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में किस प्रकार से हथियार तस्कर है, वो लोगों को मैसेज कर रहे के लिए प्रबोधन दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये एक बार फिर आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हथियार खरीदने का झांसा दिया जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा पहले भी इस मामले की जांच की थी, लेकिन हालांकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ तक चल खाली है, क्योंकि अभी तक पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पूछताछ की गई है, लेकिन जो मुख्य आरोप है उस तक पुलिस पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। और लगातार लोगों में ये बहस है किस प्रकार से सरेआम देखिए किस प्रकार से सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप है जिसमें ये फोटो डाली जा रही है और नंबर किए जा रहे हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार का हथियार चाहिए तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि हम सोशल मीडिया क्या फोटो ना डालें या इस प्रकार की जागरूक करती नजर आती है, लेकिन सरेआम फोटो डाली जा रही है। लेकिन पुलिस जो सोशल मीडिया साइबर क्राइम पुलिस है वो अभी तक आरोपी तक पहुंचने में नाकाम सिद्ध हो रही है। ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है, कौन एडमिन है, इसके विषय में कुछ जानकारी मिल पाई क्या? जी देखिए, जिस प्रकार से ये 17 KYD न्यूज खाजूवाला के नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप बना हुआ है उसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ क्षेत्र के लोगों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय नंबर है वो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई एडमिन बनाए गए हैं। इसमें 15 से 20 लोग हैं जो एडमिन बनाए गए हैं, लेकिन कुछ एडमिन से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन जो मुख्य जो सोशल मीडिया पर जो फोटो डाल रहे हैं हथियारों के साथ उस तक पहुंचने में अभी पुलिस नाकाम। क्या पुलिस से आपकी कुछ बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? जी, इस मामले को लेकर पुलिस खाजूवाला थाना अधिकारी का कहना है कि साइबर पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है और एडिशनल SP पैरेलाल ने भी जानकारी दी है कि पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन इस मामले को आए हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से पहले इस मामले को पुलिस के पास पहुंच गया था, लेकिन 15 दिनों में भी पुलिस है जो आरोपी तक पहुंच नहीं पाई। इंडिया न्यूज ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पूरे राजस्थान की पुलिस के सामने एक सोशल मीडिया पर इस प्रकार से हथियारों की फोटो डालकर एक हथियारों की सेल की डील की जा रही है तो एक बड़ी चुनौती है। और बीकानेर SP गजेंद्र सिंह गौतम के द्वारा अलग अलग टीमें तो लगाई गई है, लेकिन अभी 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।